नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मार्केट में हो रहे कुछ न्यूज़ के बारे में। कुछ न्यूज़ हमें सडनली देखने को मिली है, तो इसमें बिटकॉइन का क्या असर हमें देखने को मिल सकता है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे मार्केट के अपडेट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन पे क्या प्राइस हमें फिर से देखने को मिल सकती है, क्या बिटकॉइन में फिर से क्रेज हमें देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैक्स वीडियो को आप पूरा देखो, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। सिंपल उसमें क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मार्केट का अपडेट, न्यूज और कॉल्स मैं वहां प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो बाइडेन का एक न्यूज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि यूएसए जो है वो 30 कंट्री को अपने साथ लाने वाली है, ताकि वह क्रिप्टो करेंसी के इलीगल यूज को यहाँ पे रोक सके, इलिक्ट यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे स्टॉप कर सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी सारे देश यहाँ पर गंभीर है, कंट्री गंभीर है। कारण यहाँ पर यह है कि जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, या फिर जो इलीगल यहाँ पे कुछ ट्रेड करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो लोग काफ़ी आसानी से क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपने इस तरह के इलीगल कामों के लिए। तो यहाँ पर ये रूल्स लाना ज़रूरी है, ये जो चीज़ें आ रही है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जो क्रिप्टो करेंसी के इलीगल यूज हो उसे यहाँ पर रोका जाए। तो देखा जाए तो बिटकॉइन के लिए ये एक पॉजिटिव असर है, एक पॉजिटिव न्यूज़ के रूप में भी आप इसे यहाँ पर ले सकते हो। दूसरी दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें तो इलोन मस्क की तरफ से फिर से यहाँ पर फ्लो की आईनू जो एक टोकन है, उसे एक मीम टोकन है, उसे यहाँ पर पुश करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जितने भी अभी फ़िलहाल मीम टोकन है उस पर कोई भी अगर इलोन मस्क की ट्वीट आती है तो भी कुछ खास असर हमें देखने को नहीं मिलता है। कारण अगर हम यहाँ पर देखें तो अक्सर मैंने आपको बताया है कि मार्केट जब पंपिंग शुरू होती है तो सबसे पहले बिटकॉइन पंप होती है, उसके बाद इथेरियम, उसके बाद जो मेजर ऑल्ट कॉइन होते हैं वो, उसके बाद जो लो कैप की कॉइन होते हैं वो पंप करना शुरू करते हैं, उसके बाद सिट कॉइन पंप करना शुरू करती है। तो ये एक ट्रेंड बना हुआ है, और फिलहाल जो मीम टोकन है उसकी कोई भी ट्रेंड यहाँ पर नहीं है, इसी कारण से हमें मीम टोकन में कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रही है। तो मीम टोकन पे रिटर्न काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है, तो ऐसे में अगर मीम टोकन पे आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो उसी अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे आप लूज कर सको, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मीम टोकन यहाँ पे आपका नुकसान हो सके, मीम टोकन में लगाया हुआ अमाउंट आपका यहाँ पे डूब सके। क्योंकि अगर मीम टोकन को दूसरी नज़र से आप यहाँ पे देखोगे तो आज आप इसे स्कैम टोकन भी बोल सकते हो, क्योंकि 99% जो टोकन होते हैं मीम टोकन की वो स्कैम ही होती है। तो ऐसे में मीम टोकन से आपको थोड़ा बचना है, और ऐसे अमाउंट को लगाना है जिसे आप लूज करो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में, क्विक अपडेट यहाँ पे ले लेते हैं। बिटकॉइन की अगर आप देखोगे तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलती है वो दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट में बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट अच्छा खासा पंप करेगी अगर यहाँ पर आती है। तो पहली अगर आप देखोगे तो $47,100 के एरिया को आप यहाँ पे ले सकते हो, जहाँ से एक मार्केट अब पंप करना शुरू कर चुकी है। लेकिन किसी कारण से अगर मार्केट इसे यहाँ पर नीचे की ओर ब्रेक करती है तो $45,100 का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, तो यहाँ से चाहो तो आप बाई कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर देखने को मिलता है। बिटकॉइन के अलावा आप ओल्ड कॉइन पर भी यहाँ पर हाथ लगा सकते हो, जो भी मेजर ओल्ड कॉइन है उसमें आप यहाँ पर हाथ लगा सकते हो अगर बिटकॉइन का प्राइस $45,000 में हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि कल के वीडियो पे मैंने आपको बताया था, $47,000 का जो इंपॉर्टेंट एरिया है बिटकॉइन को जरूरी है वो यहां पर इसे ब्रेक करे, तो वहां पर इसने ब्रेक तो किया है बट वहां पे स्टे ना रह सकी, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं बना पाई, और फिर मार्केट में हमें डंप देखने को मिला है। तो थोड़ा सा करेक्शन हमें एक्चुअली में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू भी देखने को मिला था, क्योंकि $45,000 की जो रेसिस्टेंस थी उसे ब्रेकआउट करने के बाद कुछ खास हमें रिटेस्ट देखने को नहीं मिला। तो चांसेस बनता है कि कुछ रिटेस्ट आपको देखने को मिले। अब ये चाहे तो $47,100 को रिटेस्ट करें, या फिर $45,100 जो एरिया है उसे यहाँ पर रिटेस्ट करें, तो इन दोनों एरिया में से किसी को भी रिटेस्ट करें कोई फर्क लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता। $45,000 के ऊपर बिटकॉइन काफ़ी बुलिश है, एज अगर आप वीकली कैंडल भी आप यहाँ पे देखोगे
तो वीकली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में थोड़ा सा रिटेस्ट बनता है जब भी मार्केट शुरू होती है, मंडे से शुरू होती है। तो आपने ये देखा होगा कि मार्केट अगर लगातार पंप कर रही है तो मंडे से थोड़ा डाउन देखने को मिलता है, और लगातार अगर डाउन हमें देखने को मिलता है तो मंडे से हमें पंप देखने को मिलता है। तो लगातार कई दिनों से पूरे एक सप्ताह हमें पंप देखने को मिला है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिलता है। तो ये छोटा सा रिटेस्ट है जो लगभग $45,000 तक भी आ सकती है, हालांकि चांसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको देखने को मिले क्योंकि रिटेस्ट वहाँ पे बनती है। तो वहाँ पे अगर रिटेस्ट करने को आती है तो आप बिटकॉइन हो या फिर अदर ओल्ड कॉइन हो, वो अच्छा बाइंग जोन होगा, वहाँ से आप ज़रूर इसे बाई कर सकते हो। टारगेट के बारे में यहाँ पर बात करिए, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $52,000 पे आपको देखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन के प्राइस में अचानक से आपको पंप देखने को मिले और $52,000 एरिया को क्रॉस करके $56,000 तक में भी चला जाए, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि बिटकॉइन वीकली में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हो सकता है कि रिटेस्ट करने को आए 45 में, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो थोड़ी मोड़ी करेक्शन आती है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे एज ए पॉजिटिव वे में लेके चल सकते हो जब तक मार्केट बिटकॉइन का प्राइस $45,000 के ऊपर है। तो ये रही कुछ अपडेट, बाकी का जो डिटेल्स हो वो टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।